जो यहाँ पे लिमिट मिली है पूरे पूरे 40,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है, कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लगा, सिर्फ जो जीरो डॉक्यूमेंटेशन फीस के ऊपर मुझे यहाँ पे 40,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट अप्रूवल हुई है। अप्लीकेशन है टाटा न्यू अप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर मुझे यहाँ पे जो लिमिट है 40,000 रुपए की मिली है, और जो कार्ड है इसकी जो फीस है 499 रुपीज है, और उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग फीस एकदम जीरो कर दी है। अगर मैं चाहूँ तो तुरंत ही इस कार्ड को यहाँ पे अप्रूवल करवा सकता हूँ 40,000 लिमिट के साथ। अगर आपको भी टाटा न्यू में यहाँ पे लिमिट चाहिए तो आप लिमिट को वो कैसे ले सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिस स्टेप बाय स्टेप से मैंने यहाँ पे लिमिट ली है। अगर वो आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको भी जो लिमिट 100% यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगी। उसके लिए आपको बैक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। सबसे पहले आपको टाटा न्यू वाले ऑप्शन पे चले जाना है। टाटा न्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ये थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है, न्यू पास वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको यहाँ पे टाटा न्यू कार्ड का, सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे पर्सनल लोन का। जैसे मैं पर्सनल लोन पे भी टैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल लोन यहाँ पे दिखा रहा है, पर्सनल लोन यहाँ पे दिखा रहा है 10 लाख रुपए का आप यहाँ पे लोन भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद इसकी रिपेमेंट है 12 मंथ से लेके 72 मंथ तक इसकी रिपेमेंट है, डिजिटल प्रोसेस रहने वाला है, किसी प्रकार की आपके कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे पर्सनल लोन है इजी, मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे लोन इलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद रिपेमेंट टर्नओवर करना, उसके बाद एक छोटी सी KYC करनी है, उसके बाद आपको ई मैंडेट को क्लिक करना है। जैसे आप ई मैंडेट को यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके अकाउंट में यहाँ पे जो लोन है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब हम बात करने वाले टाटा न्यू कार्ड के बारे में। टाटा न्यू कार्ड लेने के लिए आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे कट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिमिट है उसको यहाँ पे अप्रूवल करवा लिया है। 40,000 रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी। अब ये प्रोसेस पे कह रहा है कि आप यहाँ पे अपनी नेट बैंकिंग से अपने कार्ड को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं अपने यहाँ पे नेट बैंकिंग से इसको वेरीफाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो लिमिट है वहाँ पे मिल जाएगी, और कुछ ही दिन बाद मेरे यहाँ पे टाटा न्यू का जो कार्ड है वो भी यहाँ पे अप्रूवल कर दिया जाएगा। अगर आपको भी टाटा न्यू का यहाँ पे कार्ड चाहिए तो आसानी से आप ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक नेट बैंकिंग होनी चाहिए, आपकी जो एज है 21 प्लस होनी चाहिए, तो ही आप इस टाटा न्यू एप्लीकेशन में कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आप यहाँ पे पर्सनल लोन भी है जो इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम से कम 650 प्लस होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे जो लोन है मिल सकता है। अब जो मुझे ये कार्ड मिला कैसे मिला है आप वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी आपको इस कार्ड को अप्लाई करना है, जब वो वहाँ पे सैलरी का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे कम से कम आपको जो सैलरी डालनी है 25,000 से ऊपर की ही सैलरी आपको वहाँ पे सबमिट करना है। जब आप 25,000 के ऊपर की सैलरी को वहाँ सबमिट करेंगे तो ही आपका ये जो कार्ड अप्रूवल होगा, वरना आपका ये कार्ड यहाँ पे अप्रूवल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा तो 100% यहाँ से आपको टाटा न्यू की तरफ से जो कार्ड है वो आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कार्ड है ये अभी कुछ टाइम पहले जो एप्लीकेशन है, पहले यहाँ पे जो हमारे को लोन मिल रहा था, पर यहाँ पे आप हमारे को एक टाटा न्यू की तरफ से कार्ड भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, और जिसकी लिमिट मेरे को मिली है पूरे 40,000 रुपए की मिली है। अगर चाहूँ तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही मैं वो कार्ड यहाँ पे अप्रूवल करवा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे जो सबसे मेन है कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप इसको डेबिट कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से लॉगिन करके आपको ई नाच का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ई नाच का जैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका कार्ड है कुछ ही टाइम बाद आपके घर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ये आपकी यहाँ से लिमिट आप जो भी यूज करोगे तो वो लिमिट आपकी ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से यहाँ से कट कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।